हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे गर्ल्स टॉप, जिसके लिए मैंने एक सिंगल पीस लिया है। डबल फोल्ड में रखकर इसकी लेंथ 23 इंच है, उसकी विड्थ 30 इंच है। तो ये वन साइड है, इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे कपड़े को। वन साइड मेरी तरफ है और 7 इंच शोल्डर की मार्किंग करेंगे, 6.5 इंच आर्म होल पर निशान लगाएंगे, इसको सीधा कर लेंगे और राउंड में शेप दे देंगे। चेस्ट के लिए मैंने 11 इंच पर मार्किंग की है और नीचे से कॉर्नर से सीधा इसको मिला देंगे। बॉटम से 2.5 इंच मार्किंग कर कर थोड़ी कर्व में शेप दे देंगे। टू पॉइंट फाइव इंच नेक की चौड़ाई लेंगे, 3 इंच इसकी डेप्थ लेंगे और राउंड में शेप दे देंगे नेक को। अब मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। ये हमारे 2 पीसेस कट हो चुके हैं। एक पीस बाहर निकाल कर बैक फ्रंट वाला और बैक वाले पार्ट पर 2.5 इंच बटन के लिए मार्किंग करेंगे और कट कर देंगे 2.5 इंच, और इसको कट कर देंगे। अब दोनों पैनल्स को रॉन्ग साइड में रखेंगे और शोल्डर से 10 10 इंच पर मार्किंग करेंगे इलास्टिक के लिए। ये मार्किंग मैंने कर दी है। अब 2 पीसेस इलास्टिक के लेंगे, 15 इंच लेंथ वाले, और दोनों पीसेस को दोनों पैनल्स पे ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने स्टिच कर दिया है इसको। अब राइट साइड को मिलाते हुए दोनों पैनल्स के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। अब नेक और आर्म होल में स्ट्रिप लगाएंगे, क्रॉस स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, दूसरी आर्म पर भी। ये बटन होल के लिए स्ट्रिप रेडी की है, उसको ज्वाइन कर देंगे और बाद में नेक पर भी क्रॉस स्ट्रिप स्टिच कर देंगे। स्ट्रिप्स स्टिच हो चुकी हैं, अब इसको छोटे छोटे कट लगा देंगे। और फोल्ड कर देंगे, नेक को भी ऐसे फोल्ड कर देंगे और स्लीव को भी। ये हमारा फोल्ड हो चुका है। अब राइट साइड अंदर को लेते हुए साइड को स्टिच करेंगे और बॉटम को भी। पीको कर सकते हैं या फोल्ड कर सकते हैं। ये हमारा 8-10 साल की लड़की के लिए ब्यूटीफुल टॉप रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।